दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 का बजट आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। बजट में वित्त मंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणा की। टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 75 ईयर्स से ज़्यादा के बुजुर्गों को वित्त मंत्री ने बड़ी राहत दी है। आज के बजट में क्या खास रहा और कहाँ इस बजट ने निराश किया, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। बजट में सरकार का फोकस हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट देने पर रहा है। वित्त मंत्री ने हेल्थ के बजट में इजाफा किया है। वित्त मंत्री ने कोई नया टैक्स ना लगाकर इंडस्ट्री को राहत देने की पहल की है। सरकार राजकोषीय घाटे की परवाह ना करते हुए सरकारी खर्च बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बजट में 6 पिलर्स के नाम, स्वास्थ्य और कल्याण यानी हेल्थ एंड वेलबींग, भौतिक और वित्तीय पूंजी यानी फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया यानी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, इनोवेशन एंड R&D यानी नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन गिनाए हैं। इन 6 पिलर्स के तहत ही इस बजट को पेश किया गया है। आइए सबसे पहले इस बजट की मुख्य बातें जान लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। दोस्तों, इस बजट में हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशन होगी। 7,000 ग्रामीण व 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट करेगी। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता का विकास होगा। नई बीमारियों का पता लगाने और ठीक करने के लिए संस्थानों का विकास होगा। इस बार के बजट में बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि 75 ईयर्स से ज़्यादा के लोगों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि कंडीशन ये है कि ये छूट उन्हें सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से मिलने वाली इनकम पर ही दी जाएगी। टैक्स पर छूट बाकी किसी भी तरीके से हुई कमाई पर नहीं मिलेगी। यानी कि 75 साल से अधिक के लोगों की बाकी हर तरह की कमाई टैक्स के दायरे में होगी, फिर चाहे वो रेंट से होने वाली इनकम हो या फिर किसी और जरिए से हो। इस बजट में टैक्स असेसमेंट के केस को दोबारा खोले जाने के पीरियड को 6 साल से घटाकर 3 साल करने का भी ऐलान किया गया है। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि टैक्स पेयर्स को लंबे समय तक अनिश्चितता में नहीं रहना होगा। अभी तक ITR भरने के दौरान हमें पहले से ही फॉर्म में नाम, एड्रेस, सैलरी पर लगा हुआ टैक्स, टैक्स की पेमेंट, TDS जैसी जानकारियां प्रीफिल होकर आती थी। बजट में एक घोषणा के जरिए इसे और भी आसान बना दिया गया है। अब ITR के फॉर्म में लिस्टेड सिक्योरिटीज से होने वाले कैपिटल गेन्स की जानकारी, डिविडेंड इनकम की जानकारी और बैंक पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज की जानकारी भी पहले से ही भरी हुई मिलेगी। इस बजट में एक फेसलेस इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल की व्यवस्था पर भी जोर डालने की बात कही जा रही है। इसके तहत एक नेशनल इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल सेंटर बनाया जा रहा है। इस नई व्यवस्था में सारा कम्युनिकेशन डिजिटल तरीके से होगा। अगर किसी मामले में टैक्स पेयर की उपस्थिति की जरूरत होगी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकेगा। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले ही उन्होंने 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया था और अब उसको 10 करोड़ कर दिया गया है। ये उनके लिए है जो अपनी करीब 95% ट्रांजेक्शन डिजिटल माध्यम से करते हैं। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सके। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे।
वर्ष 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकता है। उज्ज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 और उससे अधिक जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बैंकों को NPA से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएंगी। LIC का IPO भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, आम बजट 2021-22 में सरकार ने स्वास्थ्य पर अपने खर्च को बढ़ाया है, लेकिन इस खर्च की भरपाई के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स पर सीमा शुल्क में घटत और बढ़त की गई है। साथ ही साथ बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इंफासेस भी लगाया है, जो 2 फरवरी 2021 से ही लागू हो रहा है। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ इस बजट में। इस बजट में सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा। इस हिसाब से कल से शराब पीना महंगा होगा, क्योंकि बजट में अल्कोहलिक बेवरेजेस पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। ऐसे में इनकी कीमत भी कल से ही बढ़ने की संभावना है। सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इंफ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है। लेकिन ग्राहकों पर इसकी कीमतों का एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। बजट में सोने और चांदी पर प्रोडक्ट शुल्क दरों में कटौती की गई है। इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वहीं सोने और चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमा शुल्क घटाया गया है। ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है। हालांकि सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5% का एग्री इंफ्रा सेस भी लगाया है। इससे तत्काल आधार पर सोने चांदी की कीमतों में बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर भी सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15% कर दी है। वहीं नट बोल्ट्स पर भी सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, जिससे व्हीकल्स के महंगे होने की संभावना कम ही है। इसकी वजह से सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5% कर दिया है। साथ ही व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है, जिससे व्हीकल्स की कीमत घट सकती है। यानी कि कस्टम ड्यूटी कहीं पर बढ़ाई गई है तो कहीं पर घटाई गई है, इसको बैलेंस करके रखा गया है। सरकार ने चमड़ा पर सीमा शुल्क को 10% कर दिया गया है, जबकि पहले ये 0 था। वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्री इंफ्रासेस लगाया जाएगा। यानी कि सेब, खाद और चमड़ा भी महंगा होगा। बजट प्रोविजन लागू होने के बाद आपका कपड़े खरीदने का शौक भी महंगा हो सकता है। सरकार ने कपास पर सीमा शुल्क को 0% से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है। हालांकि नायलॉन के धागे पर प्रोडक्ट शुल्क 7.5% से घटकर 5% रह गया है। तो इस हिसाब से सूती कपड़े महंगे और सिंथेटिक कपड़े सस्ते होने वाले हैं। बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमा शुल्क को 0% से बढ़ाकर 2.5% किया गया है। वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर विनिर्माण के उपकरण, लिथियम आयरन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, LED बल्ब, सोलर इन्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। तो इनके भी महंगा होने के चांसेस हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए भी सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा है, इसीलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है, जिससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिले। दोस्तों, इस बार बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बजट में किसी भी तरह की कोई ऐसी अहम राहत का ऐलान नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसी भी तरह की कोई स्पेशल डिडक्शन नहीं दी गई है। कोई ऐसी छूट नहीं दी गई है जो डायरेक्टली टैक्स पेयर्स को अफेक्ट करे। दोस्तों, इस बार पहली बार बजट को प्रिंट नहीं किया गया है। इस बार बजट को डिजिटल तरीके से पेश किया गया है।
आम टैक्स पेयर के लिए ऐसा कुछ भी खास नहीं है इस बार बजट में, ना ही कोई डिडक्शन बढ़ी है, ना ही टैक्स स्लैब में कोई बढ़ोतरी हुई है, ना ही टैक्स ज़्यादा बढ़ा है, बर्डन पड़ा है, और ना ही कोई छूट मिली है। तो कुल मिलाकर एक इंडिविजुअल के हिसाब से इस बार बजट में कुछ खास नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।